भले ही भारत नेपाल को अपना छोटा भाई मानता हो और दोनों देशों के बीच बेहतर सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक रिश्ते कायम हैं, लेकिन धार में दो बहनों को स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया कि वे नेपाली हैं, और यहाँ तक कि उन्हें स्कूल में नेपाली नेपाली कहकर चिढ़ाया भी जाता था। बच्चियों ने मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, तब जाकर मामले ने तूल पकड़ा और इसके बाद स्कूल प्रबंधन अपनी करनी से बचता दिखाई दिया। स्कूल प्रबंधन अब बच्चियों के माता पिता पर अभद्र व्यवहार के आरोप लगा रहा है। ये है धार का जाना माना प्रतिष्ठित एमिनेंट पब्लिक स्कूल, जहां पर दो नेपाली बहनें अवनिशा खड़का और अनुष्का खड़का नर्सरी से ही पढ़ती थी, लेकिन यहाँ इनके साथ अन्य बच्चे और शिक्षकों के द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। इन्हें नेपाली नेपाली कहकर चिढ़ाया जाता है। जब स्कूल के शिक्षकों से इनके माता पिता ने शिकायत की तो शिक्षकों और पेरेंट्स के बीच बातचीत हार्ट टॉक तक पहुंच गई, और इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने दोनों बच्चियों को कॉरियर से टीसी भेज दी। अवनिशा कक्षा 8वीं में और अनुष्का कक्षा 5वीं में पढ़ा करती थी। अब इन दोनों बच्चियों ने परेशान होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है। वहीं इनके माता पिता का भी कहना है कि बच्चियों के साथ नेपाल होने के कारण स्कूल में भेदभाव किया जाता है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को इस पूरे मामले की शिकायत भी की है। अब वे भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में जब एमिनेंट पब्लिक स्कूल के प्रचारे से बात की गई तो उन्होंने छात्राओं के पेरेंट्स पर भी अभद्रता करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने अब छात्राओं के दोबारा प्रवेश देने से भी इनकार कर दिया है। वहीं जब इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी मंगेश व्यास से बात की गई तो उनका साफ कहना था कि ऐसे मामलों में कोई भी स्कूल बच्चों को टीसी देकर निकाल नहीं सकता। वे इस मामले की जांच करवाने और छात्राओं को न्याय दिलाने का भरोसा दे रहे हैं। 15 अगस्त के दिन जब हम स्कूल गए थे, लाइन में भी खड़े थे, तो वाइस प्रिंसिपल मैम ने हमको बाहर बुलाया और लाइन से बाहर करके सबके सामने कहा था, तुम स्कूल क्यों आए, तुम्हें नहीं आना था, यहाँ से चले जाओ, और तुम्हें टीसी दे दी थी कल कोरियर के द्वारा, और उसके बाद तुम्हें स्कूल आने से मना भी किया था, क्यों आए तुम्हें नहीं पता, किसी ने बताया नहीं क्या हुआ था कल, और उसके बाद हमको हमारी बहन को चिढ़ाया जाता था नेपाली नेपाली बोलकर, और उसके बाद हम बचपन से इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम दोनों को स्कूल के स्टाफ द्वारा चिढ़ाया जाता था। क्या चिढ़ाया जाता था बेटा? नेपाली नेपाली कहकर। उसके बाद आपने क्या किया? हमने लेटर लिखा प्रधानमंत्री जी को। क्या लेटर में क्या लिखा है? हमने ये लिखा है कि हमें सब नेपाली नेपाली कहकर चिढ़ाते हैं और हम उनसे मदद भी मांग रहे हैं। क्या चाहती हो तुम, वापस से स्कूल में जाना चाहती हो क्या? हाँ। क्या चाहती हो? हाँ, वापस हम स्कूल में जाना चाहते हैं। जब स्कूल जाने लगी तो बच्ची रोई, बोला मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। स्कूल नहीं जाने का कारण पूछा, कारण पूछने का ये बताया कि बोले स्कूल का सर उन्होंने उसको नेपाली नेपाली करके चिढ़ाते हैं और मुझे मारते हैं, बोले मेरा होमवर्क की कॉपी सर ने कहीं घुमा दी है और सर मुझे दे नहीं रहा, सर मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है, बोले दूसरे होमवर्क की कॉपी करके लिया। तो छोरी को मैंने बोला ठीक है कर लो बेटा, तो उसने बोला कि बोला पप्पा 3 महीने का कोर्स है, बोला कब तक करूँ, उसके बाद भी मेरे को टॉर्चर करते। उसके बाद मैं स्कूल गया, मैंने कहा पेरेंट्स के नाते स्कूल गया, मैंने प्रिंसिपल सर से बात करी, प्रिंसिपल से बात सर से बात करने के बाद वो मुझे कहते हैं, बोले मेरे यहाँ पे भी एक नेपाली था, मुझे सल्यूट मार के जाते थे, बोले तुम लोग नेपाली हो, ये वो करके, बोले तुमने अभद्र व्यवहार करा, ये वो करके। मुझे वहाँ से एक बच्चे के भविष्य कारण एक माफ़ीनामा लिखा ना माफ़ीनामा लिखवा लिया गया, जो कि मैंने बच्चे के भविष्य को देखते हुए माफ़ीनामा लिख के दिए कि आगे मैं तो मतलब मेरे बच्चे उनके भविष्य को कुछ वो खिलवाड़ नहीं हो, मेरे भविष्य बच्चे उन वहीं पढ़ पाए, इसलिए मैंने माफ़ीनामा देख के आया। देख के आने के बाद मैं बाज़ार में गया, 14 तारीख की बात है, बाज़ार में बड़ी लड़की ने बोला पापा मेरा स्कूल का कोट छोटा है, बोला मुझे ला दो, तो मैं लड़की को लेकर बाज़ार गया। उसके बाद मैं बाज़ार से आया तो रिलायंस कोरियर द्वारा एक डाक आया, मैंने कोरियर वाले से पूछा भैया कहाँ से आया, तो उसने बोला एमिनेंट स्कूल से, तो मैंने सोचा हो सकता है 15 अगस्त का है कुछ होगा, तो मैंने शाम को देखा तो उसमें टीसी मेरे बच्चियों का टीसी उनने स्कूल के कोरियर द्वारा पहुँचा दिया गया। इस स्थिति में अगर मेरी बच्ची उन 3 बच्ची है, एक तो आप कह रहे हो सर्व शिक्षा अभियान बच्ची पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद प्राइवेट स्कूल उनका ऐसा मनमानी कर रहा है, उसके बाद मेरे 3 बच्ची उनके साथ में भविष्य के साथ में आज खिलवाड़ा किया जा रहा है, तो इसके जिम्मेदार कौन? जब स्कूल का प्रिंसिपल ही खुद इस व्यवहार करते हैं
तो मेरे बच्ची उनके भविष्य का क्या होगा। उसके बाद मैंने सब दूर लेटर डाला, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी मेरी बच्ची द्वारा एक लेटर डाल के दिया हूँ, जो कि मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में मेरी बच्ची उनकी भविष्य खराब ना हो, और मेरे बच्ची उनके ऊपर कुछ अगर माइंडली कुछ अगर डिस्टर्ब होते हैं आज। और सर ने जो TC लिख के जो मेरे को दिए हैं उसमें बोले कि बोले माता पिता दुराचारी माता पिता, दुराचारी माता पिता का ये मतलब होता है कि बच्चा बच्ची अगर शिकायत करते तो क्या हम स्कूल में प्रिंसिपल से बात नहीं करें, कि उनसे मिलने नहीं जाए। अगर हम जाते हैं तो वो हमको कहते हैं कि अभद्र व्यवहार करके हमसे उल्टा लेटर लिखवा के हमारा हाथ पहले ही काट दिया जाता है। उस एमिनेंट स्कूल में ये मेरा पहला केस नहीं है, इससे पहले भी 2-3 केस हो चुका है। जो कि आप क्या चाहते हैं? अब मैं वही चाहता हूँ कि मेरे तो बच्ची का भविष्य, प्रधानमंत्री जी से मैं गुहार लगा रहा हूँ कि मेरी भविष्य बच्ची के भविष्य आखिर क्या किया जाए। क्या मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूँ, बिना पढ़ाऊँ ऐसे ही रहने दूँ कि बेटी पढ़ाऊँ? मैं प्रधानमंत्री जी से ये गुहार लगाना चाहता हूँ, आखिर क्या मेरे को इतने हक नहीं है कि मेरे बच्चे उनको यहाँ मैं पढ़ा सकूँ? मेरा सामने मेरे टीचर को मारा था, इसलिए मैं वो बच्चों को किसी हालत पर एडमिशन रीएडमिशन नहीं करूँगा। मेरे टीचर को मारा तो क्यों? यदि क्या कारण क्या रहा, युवा का कारण क्या रहा? बच्चा आपस में मैं बंगाली क्या नेपाली करके चिढ़ा तो पेरेंट्स का कह रहे हैं, टीचर ने कहा, टीचर तो कहा नहीं, मैं टीचर का टीचर का बुला का बात कर रहा था, मेरा सामने टीचर को पेरेंट आकर मारा। सो इन दैट केस वी आर नॉट गोइंग टू एडमिट द चाइल्ड वंस अगेन। तो किसी हालत पर मैं बच्चों को वापस ले लूँगा नहीं। सर इसमें अगर पेरेंट्स ने मारा तो आप FIR दर्ज करा सकते हैं, पुलिस सहायता ले सकते हैं। स्कूल से देयर आर टू रीजन, वन थिंग है ना फिजिकली आई एम नॉट फिट टू गो टू द पुलिस स्टेशन फ्रीक्वेंटली, सो दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग है तो दिस इज एन इंस्टीट्यूशन, आई एम द प्रिंसिपल, माई ड्यूटी इज टू टीच माई चिल्ड्रन। सर हिंदी मेरा टाइम है ना, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं मैं पुलिस स्टेशन में जाकर मेरा टाइम बर्बाद नहीं करता, इसलिए मैं बिजी रहता हूँ। सर TC के अंदर भी ऐसा लिखा है कि जो पेरेंट्स हाँ, जो है मिसबिहेवियर ऑफ द पेरेंट्स, तो उसी कारण से दिया TC, उसी कारण से दिया। मेरा स्टाफ को मार एक अच्छा बिहेवियर है क्या? नहीं है ना, मिसबिहेवियर तो क्या, इसलिए तो दोनों बच्चों को कहीं दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा? नो नो, तो बहुत सारे धार में 200 स्कूल है, कोई भी सरकार इसमें पढ़ा सकते, मेरे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। सर नर्सरी से पढ़े वो, तो अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, उनको TC देना, पेरेंट्स की गलती बच्चों पे निकालना कहाँ तक उचित? मैं बच्चों को, मैं पेरेंट्स को पनिशमेंट दिया, भाभी देखो पेरेंट्स से आकर नहीं, पेरेंट्स को कहाँ दिया आपने, तो बच्चों को पनिशमेंट दिया ना, पेरेंट्स दिस इज अ पनिशमेंट गिवन टू पेरेंट, नाउ ही हैज टू रन हियर एंड देयर फॉर एडमिट, दैट ही विल डू। यदि इतना प्रेशर डाल सकते हो कहीं भी जाकर एडमिशन कर देंगे, है ना, कर देंगे। सर ये अशासकीय एमिनेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के एक अभिभावक श्री सरोज कुमार खड़गा ने इस कार्यालय में शिकायत की थी कि उनके बच्चों को बिना किसी कारण के स्कूल प्रशासन द्वारा निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनकी SLC भी दिखाई थी, जिस पे स्कूल ने यह लिखा है कि स्कूल लेफ्ट ड्यू टू मिसबिहेव ऑफ गार्जियन। इस संबंध में हम लोगों ने विभागीय नियमों के अनुसार स्कूल को पत्र लिखा है, क्योंकि कोई भी विद्यालय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को किसी भी अनुशासनहीनता पर विद्यालय से पृथक नहीं कर सकते हैं। एक अन्य नियम के अनुसार 20 शैक्षणिक सत्र में किसी भी बच्चे को निष्कासित करने का अधिकार स्कूल प्रशासन को नहीं है। तीसरे, इस केस में बच्चों के द्वारा किसी भी तरह की अनुशासनहीनता नहीं की गई है, और ऐसे में बच्चों को विद्यालय से पृथक किया जाना स्कूल शिक्षा विभाग के नियमानुसार नहीं है, इसलिए स्कूल प्रशासन को हम बच्चों को पुनः एडमिशन दिए जाने के लिए पत्र प्रेषित कर रहे हैं, और इस पूरे प्रकरण में क्यों ऐसी कार्रवाई स्कूल प्रशासन द्वारा की गई है इसकी एक जांच करके फिर एक कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित करेंगे। सर पूरी लापरवाही मानते हैं एमिनेंट स्कूल? हाँ, एमिनेंट स्कूल की लापरवाही है, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि अभिभावक की गलती की सजा उसके बच्चों को नहीं दी जा सकती है। अगर ऐसा होता तो किसी भी सजा याफ्ता या किसी भी फांसी की सजा प्राप्त व्यक्ति के बच्चे को भी जज फांसी पर लटका देता। स्कूल प्रशासन ने इस तरह की कार्रवाई की है जो नियमानुसार नहीं है और प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। स्कूल शिक्षा विभाग में वर्णित नियम है, उसके भी प्रतिकूल होने से हम विद्यालय को पत्र प्रेषित कर रहे हैं कि वो बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दें। सर कब तक पुनः उनको एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि
सेशन चालू है, ऐसा बच्चों का कहीं ना कहीं वहाँ पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। देखिए जहाँ तक रूल्स की बात है, अगर इस तरह की कोई भी कार्रवाई करती है तो उसका प्रतिवेदन विभाग में स्कूल को प्रेषित किया जाना चाहिए था, जो प्रतिवेदन अभी तक नहीं आया है, तो हम इसकी विस्तृत जांच करा रहे हैं। हम स्कूल प्रशासन का पक्ष भी सुनेंगे और उनका प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इसकी जो अपील का अधिकार संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को है, उनके पास अपील की कार्रवाई का प्रस्तावित करेंगे। और इसके पूर्व भी हम यहाँ से एक पत्र जारी कर रहे हैं कि बच्चों को बिना किसी कारण के विद्यालय से निकाला गया है, उन्हें प्रवेश। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।